बढ़ती हुई बेली फैट को बहुत आसानी से कम कर सकते हो, एकदम पतला और फिट और स्लिम कर सकते हो। तो गाइस जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ मॉर्निंग में कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो कोई नहीं, आप इवनिंग में भी कर सकते हो, पर एक्सरसाइज को डेली रूटीन में ज़रूर रखो, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी बहुत ही स्वस्थ रहती है और कोई जो भी बीमारियाँ होती हैं वो भी एक्सरसाइज करने से ख़त्म हो जाती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, मैं सबसे पहले आपके लिए बताती हूँ एक्सरसाइज करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से पहले हमें एक ही जगह पर वार्म अप करना चाहिए, रनिंग लगानी चाहिए या फिर हमें थोड़ा टहलना चाहिए। तो मैं आपके लिए बता रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले हमें एक जगह पर रनिंग लगानी चाहिए। रनिंग लगाने से हमारी बॉडी जो है एक्सरसाइज करने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, आप ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ज़रूर करें। जब हमारी बॉडी एक्सरसाइज कर मतलब वार्म अप करते हैं तो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको 20-20 के 2 से 3 रैप जरूर लगाने हर एक एक्सरसाइज के। पहले मैंने आपको रनिंग बताई, तो कम से कम आप 5 मिनट या 4 मिनट रनिंग जरूर लगाना, और जो ये एक्सरसाइज बताई है मैंने इसके 20-20 के 2 से 3 रैप जरूर लगाना। आप बीच में 1-1 मिनट का रेस्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो साइडों में एक्स्ट्रा फैट बढ़ जाता है उसके लिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको ये भी एक्सरसाइज आपको 20 बार करनी होगी, 20-20 के 2 से 3 रेप जरूर लगाने होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, जो पेट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ, इसे हम एक्सरसाइज तो करते ही हैं, तो एक्सरसाइज करते टाइम आपको क्या करना है, कोई भी एक्सरसाइज करें तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं ये एक्सरसाइज बताई आपको, तो जो हमारी सांस है ना, पीछे जाते समय अंदर सांस को लेना, जैसे और आगे जैसे मैंने आया है, तो सांस को लंबी छोड़ना है, लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है आपको। हमारी एक्सरसाइज से जितने फ़ायदे होते हैं ना, ये सांस हमें लंबी लेने से और लंबी छोड़ने से भी हमें बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, फैट को घटाने के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। और मैंने आपको ये बहुत ही बेस्ट टिप्स बताई है, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज, तो आगे आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज बता रही हूँ मैं आपको। 20-20 के 2 से 3 रैप जरूर लगाना, मॉर्निंग लगाने से बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो आगे बढ़ते हैं, और आपको रुकना नहीं है ज़्यादा टाइम तक, ओनली आप 30 सेकंड का या 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। तो फिर अगर आप थोड़ा ये खड़े होने का मन है, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक ही जगह पर रनिंग लगाना, एक ही जगह पर रनिंग लगाने से भी बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, इससे हमारी फुल बॉडी फैट रिड्यूस होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ आपको। तो कुछ एक्सरसाइज हम बैठ के करते हैं, जो पेट के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज होती है, इससे भी मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊँगी बहुत बेस्ट एक्सरसाइज। तो हमें क्या करना है, एक ऐसे बैठना है, मैट पे बैठना है, और अपनी जो घुटने हैं ना, ये सीने से टच करने हैं। ये बेल्ट पैड के लिए, पेट के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज बता रही हूँ मैं ये, सिंपल सिंपल एक्सरसाइज करके आप अपने आप को बहुत फिट स्लिम और स्मार्ट बना सकते हो। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, लेटकर क्या करना है, अपने दोनों पैरों में थोड़ा स्पेस रखना है और आपको धीरे धीरे आना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। मैं आपको वीडियो के माध्यम से कम कम बता रही हूँ, आपको 10 या 20 बार हर रोज करना है। बेली फैट और पेट का जो फैट है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आपके लिए बहुत बेस्ट सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगी जो कि आपके पेट को बहुत ही जल्दी स्लिम और फिट बना देगी। तो आपको सीधे लेटना है और अपने हाथों को गर्दन के पीछे ऐसे उंगलियों को लॉक करना है और आपको वन टू थ्री फोर फाइव, आपको ये एक्सरसाइज करनी होगी हर रोज़ कम से कम 20 के 2 रैप तो जरूर लगाने होंगे। आप मतलब 10 से स्टार्ट करना, कोई नहीं एकदम से तो हम नहीं कर पाएंगे, अब बटरफ्लाई करते हैं। 1 मिनट तक आपको बटरफ्लाई करनी है एक ही जगह पर बैठ के, बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज बताइए। फिर आपको एक्सरसाइज करने के बाद क्या करना है, आपको अपने पैरों को ऐसे पास में रखते हुए आपको उंगलियों को सीधे ऊपर ले जाना है, उंगलियों को लॉक करते हुए पंजों के समेत 1 मिनट के लिए खड़ा होना है। 1 मिनट के लिए ऐसे खड़ा होना है, आपकी जो फुल बॉडी है ना बहुत ही मतलब एकदम फिट और स्लिम के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, और हाइट बढ़ाने के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। आपको हर रोज़ ऐसे खड़ा होना है 1 मिनट तक, और जो लोग चल सकते हैं तो ऐसे चल भी सकते हैं, ऐसे एक ही जगह पे चल सकते हैं, जैसे साइड में थोड़ा घूम सकते हैं ऐसे चल के। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। तो जो मैंने एक्सरसाइज बताई ये हर रोज़ आप कीजिए, अपने आप को फिट स्लिम और स्मार्ट बनाइए। जो पेट आगे लटकता है, किसी किसी का बहुत लटकता है, किसी किसी का इतना मोटा होता है, बैली फैट भी इतना ज़्यादा बहुत गंदा लगता है, तो आप अपने आप को फिट स्लिम और स्मार्ट बनाइए। और आप फिट स्लिम स्मार्ट रहोगे तो आप हर तरह की ड्रेस भी पहन पाओगे और स्मार्ट लगोगे। बाय।